मैं नितिन तिवारी, शहर प्रमुख शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे। आज हम डीआरएम मध्य रेलवे के अंतर्गत एक डेलीगेशन मोर्चा झाड़ू के साथ कचरा साफ करो, भ्रष्टाचार साफ करो, झाड़ू चढ़ाओ आंदोलन करने आए थे। उसमें हमने डीआरएम साहब को ये बोला कि आपके स्टेशन पे अनिल बोर्डे नामक गुंडा, उसके साथ कपिल वर्मा नामक सीएचआई, ये मिल के पैसे की उगाही कर रहे हैं। मस्टरों का घोटाला हो रहा है, जिन मजदूरों को रखा गया उन मजदूरों के डुप्लीकेट मस्टर लगाए जा रहे हैं, डुप्लीकेट सब कुछ किया जा रहा है और रेलवे से अनगिनत पैसा वसूल किया जा रहा है। इतना बड़ा स्कैम है, दिहाड़ी के मजदूर लगाए जा रहे हैं, परमानेंट मजदूरों को निकाला जा रहा है, नागपुर के मजदूरों को मध्य रेलवे से पगार लेकर यहाँ के मजदूरों को इतवारी स्टेशन जबरन भेजा जा रहा है। मतलब दो दो रेलवे को, एनईएस रेलवे को और मध्य रेलवे को, दोनों को चूना लगाया जा रहा है। और ये सरगना, अगर इनके खिलाफ कोई आवाज उठाता बड़ी दहशत है। आरपीएफ जीआरपी कोई गुना दाखिल करने को तैयार नहीं, क्योंकि अनिल बोर्डे गुंडागर्दी के रिश्तेदार जीआरपी में नौकरियां कर रहे हैं। आज डीआरएम साहब अग्रवाल साहब मिले, बड़े दिल से मिले, उन्होंने सब कुछ स्वीकार किया। पिछले बार हमने वाणिज्य प्रबंधक अमन मित्तल साहब को दिया था, कुछ नहीं हुआ, डेढ़ महीना हो गया, कोई कार्रवाई नहीं। हमने उनकी भी शिकायत डीआरएम साहब को किया, डीआरएम साहब ने तत्काल प्रभाव से जिन मजदूरों को निकाला गया था उन 10-12 मजदूरों के नाम मांगे, उन्हें यथाशीघ्र लगाने की बात की और तुरंत उन पर विभागीय जांच मांग किया हमने कि सीएचआई स्टेशन का हेल्थ चीफ हेल्थ इंस्पेक्टर तुरंत के तुरंत सस्पेंड और निलंबित होना चाहिए और इसके ऊपर जांच बैठना चाहिए और इन मजदूरों को न्याय मिलना चाहिए। और इसी के साथ आज हम ये डेलीगेशन का आंदोलन हमारा सफल हुआ।